एंड द मोड ऑफ माय चैनल इज वर्ल्ड ऑन टाइम। सो गाइस, आज है नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बैठे क्यों हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एक बार आपको याद होगा कि एक बार मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विच इज द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ऐसा कौन सा लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है जो अर्थ पे प्रेजेंट है, और मैंने उसका आंसर बताया था कि इट्स अ ग्रेट बैरियर रीफ। तो गाइस, आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था एंड ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वाई? बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ दैट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज दैट नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। आपकी शिक्षा, आपकी पढ़ाई कोई भी कभी भी आपसे छीन नहीं सकता है। अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके काम आएगा ही आएगा। सो गाइस, आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था? आज के दिन यानी कि 11th ऑफ जून के ईयर 1770 में द इंग्लिश एक्सप्लोरर एंड द नेवल ऑफिसर कैप्टन जेम्स कुक डिस्कवर्ड द ग्रेट बैरियर रीफ जस्ट बाय रनिंग अराउंड इट। सो आज के दिन यानी 11th ऑफ जून के ईयर 1770 में द इंग्लिश एक्सप्लोरर एंड द नेवल ऑफिसर कैप्टन जेम्स कुक ने ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी। और क्योंकि कुक एक किसान के बेटे थे तो ये खोज इनके लिए बहुत ही मुश्किलों भरी थी। सो एंडीवर रीफ इज अ कोरल रीफ विद इन अ ग्रेट बैरियर रीफ। इट इज विद इन द शायर ऑफ कुक क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। सो बेसिकली ये कोरल रीफ है जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दिस रीफ इज अबाउट 7 किलोमीटर लॉन्ग एंड रन्स इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सो गाइस, नाउ यू कैन इमेजिन दैट कि ग्रेट बैरियर रीफ कितना बड़ा है, अप्रॉक्सिमेटली 7 किलोमीटर। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज गाइस, सो वेलकम टू माई क्विज सेक्शन। सो गाइस, अगर आपको आंसर्स पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट अगर आपको आंसर्स नहीं मालूम है तो डोंट मिस द एंड, एंड में हम आपको आंसर्स बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की करेंसी क्या है। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की करेंसी क्या है। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी क्या है। सो गाइस, अगर आपको आंसर्स मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इट्स टाइम फॉर अ मोटिवेशनल स्टोरी एंड वेलकम टू माय मोटिवेशनल स्टोरी सेक्शन गाइस। तो चलिए सुनिए। एक बार एक व्यक्ति काफ़ी दुखी होता है, वो बहुत दुखी दुखी सा रहता है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल पा रही होती है। तो और उसने खाली 4-5 जगह ही ट्राई किया होता है। फिर उसकी मुलाकात एक सज्जन व्यक्ति से होती है। तो सज्जन व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम अपना मोबाइल कितनी बार बदलते हो। तो दुखी व्यक्ति उसको बताता है कि महीने में 4-5 बार तो बदल ही लेता हूँ। और फिर सज्जन व्यक्ति उसको बोलता है कि तुम मोबाइल तो 4-5 बार बदलते हो और तुम्हारा मोबाइल खुद भी हर महीने अपडेट मांगता होगा। तो सोचो, वो 10,000 रुपये की कीमत वाला मोबाइल अपने आप को हर समय अपडेट रखता है, लेकिन तुम्हारी जिसकी कीमत अरबों खरबों रुपए है वो अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर पा रहे हो। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट गाइस, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ। जैसे जैसे दुख आते जाएं उनको झेलने की शक्ति डेवलप करते जाओ और खुश रहना सीखिए। सो नाउ गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अब बारी है आज के क्विजेस के आंसर्स की। सो द आंसर नंबर 1 इज डॉलर, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। एंड द आंसर नंबर 2 इज युआन, चाइना की करेंसी है युआन। एंड द आंसर नंबर 3 इज टका, बांग्लादेश की करेंसी है टका। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय द कंटेंट। Thank you for liking, commenting, subscribing and especially for motivating me guys so that I can make videos daily for you.